कि मेरे ही देश के एक प्रांत का गुजिया दूसरा प्रांत नहीं जानता, लेकिन इटली के पिज्जा को बच्चा बच्चा जानता है। थोड़ा देखें इस देश में, सोचे जरा कि फ्रांस, अमेरिका, लंदन ऐसी जगह पर अगर यहां से वहां से चीजें आ सकती है, केक आ सकता है, पुडिंग आ सकता है, तो यहाँ का गुजिया और पराठा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे अंदर वो सूझ नहीं है, उन लोगों में साहस और दूरदृष्टि है जो हम लोगों में नहीं है। हमारे यहाँ वही बाप दादा का धंधा वही करते आते हैं। बाप अगर केमिस्ट की दुकान लगाता है तो बच्चा भी केमिस्ट ही बनेगा, उसका बच्चा भी केमिस्ट ही बनेगा। खेती करता है, उसका बच्चा खेती करेगा। अरे कुछ नया कर, कुछ क्रिएटिविटी कर और अपनी चीजों को बाहर ले जाना सीख। मुझे आज भी याद है, एक लड़का 40 गांव का मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा कि नौकरी दिलाओ। मैंने कहा मूर्ख, तेरी पत्नी इतनी अच्छी, वो नमकीन बनाती है, चक्री, गोल चक्री जैसा एक नमकीन बनाती है, और तू मेरे पास नौकरी मांग रहा है। उस चक्री को बाजार में जाके बेच, तुझे अपनी पत्नी की कदर नहीं है। तू नौकरी करने की बात कर रहा है, 5,000 की नौकरी मांग रहा है, वो चक्री बेचना शुरू कर। तो उसको मजाक लगा। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ कॉन्टैक्ट देता हूं, और उससे चक्री बनवाना शुरू किया। इस देश की चक्री बनवाना मैंने शुरू किया। आप मानोगे, 5,000 रुपए की नौकरी मांगने वाला वो, मैंने उसको कुछ कॉन्टैक्ट दिए इस देश में और बाहर एक दो जगह के, वो 5,000 की नौकरी मांगने वाला मुकुंद दायमा उसका नाम, पहले साल में उसी चक्री के नमकीन से 57 लाख रुपए कमाए उसने। हमको अपनी चीजों की कदर नहीं है। मेरा दोस्त जब जापान गया, जापानीज लड़की से शादी किया, 6 साल वहां रहकर लौट के आया, तो उसको मैंने पूछा कि बता मुझे जापान में तूने क्या देखा, मेरे देश की कुछ बात बता। उसने कहा कि क्या बताऊं तुमको, मुझे तो दूसरा कुछ आता नहीं, इसलिए मैंने वहां पर खाना बनाना आता था, खाने की मेज लगवाई। जापानीज लोग खाना खाने आते थे रोज, तो रोज जापानीज लोग खाना खाने आते थे। एक दिन मैंने आलू की पकौड़ी बनाकर उनको खिलाई। तो जब मैंने आलू की पकौड़ी जापानीज लोगों को खिलाई, तो तू आश्चर्य करेगा कि मुझे हर जापानीज ने यह पूछा था, इस पकौड़ी में आलू गया कैसे। तो मैंने कहा कि उसके भाग्य है कि सिर्फ पकौड़ी खाई है, जिलेबी खाएगा तो कोमा में चले जाएगा, जिंदगी भर सोचेगा ये शुरू कहां होती है, खत्म कहां होती है। अपनी चीजों का गौरव बढ़ाओ, संस्कृति का गौरव बढ़ाओ, अपनी चीजों को बाहर भेजना, बाहर जाने के बजाय अपनी चीजों को बाहर भेजना सीखो। और देखो इस धरती में सिर्फ जिलेबी बेच के पूरी दुनिया को खरीद सकते हम, लेकिन जाओ तो सही आगे। जामनगर गुजरात में एचजे व्यास कचोरी बेचता है, उसके साथ जब बात हुई, आप मानोगे कचोरी की कीमत कितनी होती है एक किलो की, 60 से 70 रुपए। लेकिन उन्होंने क्या किया, दूरदृष्टि थी, आईएसओ सर्टिफिकेट लेकर कैलोरीज फैट ये सब मेंटेन किया और उस कचरी को बनाकर बाहर भेजना शुरू किया। वो एचजे व्यास 60 रुपए की कचोरी 650 रुपए में बाहर बेचता है, कंटेनर के कंटेनर वो कचोरियां भेजता है। अरे आप लोग अगर एक एक मिठाई या एक एक नमकीन ये पकड़ लोगे सिर्फ राजस्थान के बाहर भेजना शुरू करो, मैं कहता हूं पूरी दुनिया को खरीद कर राजस्थान में उतार लोगे आप। लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे। मैकडॉनल्ड इस देश का भविष्य नहीं बदलेगा, आपका गुजिया बदलेगा, इतना याद रखो। यस नो, यस नो, और मैकडॉनल्ड मेरा दोस्त है बाबा, उसने फिंगर चिप्स लिए यंगस्टर्स को समझाने के लिए कि कितना तुमको तकलीफ होगा। देखो 3 साल से उसके कपड़ में, फ्रीज छोड़ो, कपड़ में वो मैकडॉनल्ड के फिंगर चिप्स है जो अभी भी वैसे के वैसे ही है। 3 साल से ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, क्योंकि इस देश को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले उसका पेट खराब करो, क्योंकि पेट खराब होगा तो दिमाग खराब होगा। ये देश को तोड़ना आसान है और हम उस फिंगर चिप्स के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। कहां जा रहे हैं हम, बर्गर का ब्रेड बिना फ्रिज का रख दो 1 साल तक खराब नहीं होगा, कहां जा रहे हैं हम लोग। अरे पराठे में जो ताकत है वो पिज्जा में नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा लौटो। मैं नहीं कहता कि पिज्जा मत खाओ, लेकिन पराठे भी खाना सीखो, ताकत उसी से आएगी। यस नो, ये देश और संस्कृति का गर्व करना सीखे। यस नो, फिर से एक बार हाथ एक दूसरे के पकड़ के स
संगत जत्वा संगत जत्वा देसी गाय को बचाना है यस नो देसी बीजों को बचाना है यस नो यस तो ऐसे देसी संगीत के साथ